जेम्स कलर शेक में आपका स्वागत है। blogspot.com पे आप अपने ब्लॉग पोस्ट करते होंगे तो आपको भी ये एरर का सामना करना पड़ेगा या आप कर रहे होंगे। अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग। एक्चुअल ये आप रेशो देख ले कि 100 लोग blogspot पर काम कर रहे हैं तो ये 100 में से 100 लोगों को ये आता है। ये क्यों आता है, ये कैसे आता है और इसे कैसे हटाए जाते हैं आज हम सीखने वाले। यहाँ पे आपका वो 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप इसे पूरा देखिए और आप नए हो गए तो मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको नए वीडियो चाहिए तो बेल आइकॉन का बटन प्रेस जरूर कीजिए। दोस्तों मैं यूट्यूब पे और blogspot पे कई सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारे एरर देखे हैं। कुछ के सॉल्यूशन मिलते हैं, कुछ के सॉल्यूशन नहीं मिलते। आज ऐसा ही ये एरर है कि इसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं आज देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देख लेंगे कि ये क्यों आता है। ये जो अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग है ये कुछ चीजों से आता है जिससे आप मिस्टेक करते हैं। जैसे डुप्लीकेट कंटेंट हो गया, जैसे एक पेज और दूसरा पेज यानी मल्टीपल पेज सिमिलर हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल ओरिजिनल पेज भी है और इसके और भी पेज है तो वहां पे किसको इंडेक्स करें। कैनोनिकल टैग इसके वजह से आता है कि आपके जो आर्टिकल में आर्टिकल लिख रहे हो, जो आर्टिकल में पैराग्राफ होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है ओरिजिनल पेज से मैच हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो आपको इसका निकालने का एक ही तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिखने के बाद जो आप आर्टिकल लिखते हो, सपोज आपने कुकिंग के बारे में एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, आज पनीर की सब्जी की रेसिपी लिखने वाले, तो आप क्या करोगे, आप जैसे दूसरे वेबसाइट का होगा वैसे ही आप अपने आर्टिकल पे पुट करने की कोशिश करोगे, उसका रेफरेंस लोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इतना सिंपल बनाना है कि एक छोटा बच्चा भी इस आर्टिकल को पढ़ सके। और ये कैनोनिकल टैग कैसा होता है दोस्तों कि ये इंडेक्स नहीं होता है, गूगल इसको इंडेक्स नहीं करती है। ओरिजिनल पेज को इंडेक्स होता है लेकिन डुप्लीकेट पेज कितने भी बनो ये एरर आने के बाद वो गूगल पे इंडेक्स नहीं होता है। लेकिन आप जब लिंक शेयर करते हो तब जो भी ओपन करेगा वहां पे उसको वो पेज दिखेगा, वो दिखेगा और आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो गया तो उसका आपको पैसा नहीं मिल सकता है क्योंकि एक्चुअल वो गूगल पे इंडेक्स ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा आर्टिकल लिखना है अपने लैंग्वेज में कि छोटा बच्चा भी पढ़ सके। इस बताता हूँ कि जिससे आप आराम से ये कैनोनिकल टैग हटा सकते हैं। देखो हम आ गए अपने वेबसाइट के ऊपर, ये गूगल सर्च कंसोल है। अच्छा वेबसाइट ये वाली है। अभी मैं यहाँ पे पोस्ट में जाता हूँ और पोस्ट में आपको दिखाता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर एक बताता हूँ आपको कि जो ये जो मेरा आर्टिकल है मैंने लिखा था उसको मुझे कैनोनिकल टैग का एरर आया है। यहाँ पे मैं गूगल सर्च कंसोल में आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे 10 आर्टिकल को ये गूगल ने प्रॉपर यानी जो अल्टरनेट पेज विथ प्रॉपर कैनोनिकल टैग का एरर दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको ये जो आर्टिकल है जो मैंने लिखा है, एक्चुअली ये मैंने मेरे लैंग्वेज से लिखा है लेकिन क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी ये जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है वो यानी सिमिलर हो जाती है। तब अभी इनका ये कहना है कि ये जो कैनोनिकल टैग होता है ये इसी कारण आता है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है यानी यहाँ पे मैंने टाइटल में भी इवनिंग स्टार्ट पैटर्न इन हिंदी ऐसा बोला है तो आप गूगल में सर्च कर लोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखेगी। तो इसके कारण यहाँ पे उन्होंने मुझे यहाँ पे कैनोनिकल टैग का एरर दे दिया है। ये जो आर्टिकल है ये गूगल में इंडेक्स तो नहीं होगा लेकिन आप जो लिंक शेयर करोगे तो सामने वाले को ये दिखाई देगा और आपका ये जो पेज है मोनेटाइज होगा। तो इसका कुछ फायदा नहीं आपको शेयर करके क्योंकि यहाँ इस पे एड दिखने वाले नहीं है क्योंकि ये गूगल में ऑलरेडी इंडेक्स नहीं है।
तो दोस्तों कैसा होता है कि इन्होंने अभी वार्निंग दिया है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, उनकी पॉलिसी पढ़ी मैंने, तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया कि आपको ये एरर आया होगा तो आप इसी आर्टिकल को फिर से रीराइट करें इन नए पेज पे, और यहाँ पे इतनी आसान भाषा में या लैंग्वेज ऐसी चेंज करें कि ये मैच नहीं होना चाहिए। अभी मैं वही करने की कोशिश करूंगा कि अभी ये जो लैंग्वेज है ये मैच नहीं होनी चाहिए, और इसके अभी और ये दोस्तों ये हटता नहीं है, अब कितना भी तुम ट्राई कर लो ये जो कैनोनिकल टैग आया है वो जाता नहीं है। और क्यों जाता नहीं अभी वो भी देख लेंगे। यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दे दिए है, यानी मेरे 10 आर्टिकल इन्होंने ये एरर में डाल दिए, तो आप देख रहे हैं लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है M1, ये जो M1 होता है वो एक डेंजरस का साइन देता है कि आपका आर्टिकल M1 कैटेगरी में आ गया, तो ये डेफिनेटली अभी वो बोल रहे हैं कि ये तो निकाल दो या इसको रीराइट करो और फिर से इसको पोस्ट पब्लिश करो। और आपका कई कई आर्टिकल क्या होते हैं कि वहां पे M1 नहीं होता है और फिर से कैनोनिकल टैग में आते हैं, तो उसको कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इनएक्सपेक्टेड URL कर दीजिए। आप ये जो M1 वाले जो होते हैं इसको भी आप इनएक्सपेक्टेड URL कर सकते हो, आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन ये निकलता तो नहीं है। अभी ये हो गया, इसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे एक कोड मालूम पड़ा था कि ये कोड पुट करने से भी ये निकलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको थीम में जाना है, थीम में जाने के बाद यहाँ पे एडिट HTML में आना है। एडिट HTML में आपके पेज का ये प्रोग्राम है, यहाँ पे जो फर्स्ट हेड होता है यहाँ पे ये लिंक आपको यहाँ पे पुट कर देना है। कैनोनिकल का लिंक होता है ये, आपका वेबसाइट इसमें ऐड होता है, तो आपको मैं इसको नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आपको ये कॉपी करके यहाँ पे आपका वेबसाइट पुट करके यहाँ पे पुट कर देना है। इससे कुछ फायदा हुआ तो एक दो आपके निकल जाएंगे कैनोनिकल टैग से, नहीं तो आपको ये जो पैटर्न्स होते हैं सॉरी ये जो आर्टिकल होते हैं ये आपको रीराइट करने पड़ेंगे, फिर से इतनी आसान भाषा में लिखना पड़ेगा कि ये एक छोटे बच्चे को भी समझ में आए। तो दोस्तों इसका यही सोल्यूशन है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। और इसके आप एक और दूसरा सोल्यूशन है कि आपने अपने एक कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक सबसे ज्यादा बढ़ा दिए, तो ये गूगल ये कैनोनिकल टैग है M1 सेक्टर का, ये निकाल सकता है। ये ऐसा फिक्स नहीं है कि ये निकलेगा, क्योंकि जिसको M1 आ गया है वो जनरली निकलता नहीं है। तो दोस्तों और दूसरी बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब ये एरर आते हैं तब आप इसको फिक्स करते हैं, तो फिक्स करने के बाद आपको 2-3 दिन तक वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ब्लॉग स्पॉट पे ये तुरंत नहीं निकलते, इसलिए आप जब इसकी प्रोसेस करोगे तो आप 2-3 दिन इसको वेट कीजिए और फिर से इसका रिजल्ट लिखिए। नहीं निकला तो आपको समझ लेना है कि अभी ये डिलीट करने है और हमें रीराइट करने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी दबाइए और जरूरतमंद को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप नई वीडियो पाने के लिए मेरे बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलें।